स्वागत है फिर से एक नया टैंक वीडियो में। आज मैं बताऊंगा एक पेन ड्राइव एक चार्जर में कनेक्ट करके चार्ज करने से क्या होता है, या एक पावर बैंक में एक पेन ड्राइव कनेक्ट करने से क्या होगा, इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और आप सबको कनेक्ट करके दिखाऊंगा क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नया नया वीडियो देखने के लिए टेक केयर ब्लॉग वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबको देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि पेन ड्राइव में चार्जर लगाने से या पावर बैंक में चार्जर लगाने से क्या होगा, पेन ड्राइव ब्लास्ट होगा या चार्जर खराब होगा या सर्किट खराब होगा या पेन ड्राइव में जो फाइल है वो खराब हो जाएगी, बहुत दिन से सोच रहे। चलिए आज ट्राई करते हैं। चलिए पहले हम इस चार्जर में पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे। चलिए आप कनेक्ट करते हैं। यह है पेन ड्राइव सोनी का, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दिया, उसके बाद प्लग में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। चलिए आप हम फिर से खुल के लगाते हैं, ये कुछ नहीं होगा। चलिए आप इसको पावर बैंक में लगा के देखते हैं क्या होता है। ये है पावर बैंक और ये है पेन ड्राइव, इसको लगाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए आप हम फ़ोन में लगा के देखते हैं ये पेन ड्राइव ठीक है या नहीं है, कोई फाइल डिलीट हुआ या पेन ड्राइव ख़राब हो गया, तो हम इसको लगा के देखते हैं पेन ड्राइव ठीक है या नहीं है। वो पेन ड्राइव भी ठीक है और ये काम भी कर रहा है, तो चार्जर पेन ड्राइव पावर बैंक को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं हुआ आप सबको बताने के लिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक पेन ड्राइव सिर्फ स्टोरेज से वो पावर बैंक की तरह इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं करता या चार्जर की तरह वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है। इसीलिए हमने जब पेन ड्राइव को चार्जर में लगाया या पावर बैंक में लगाया वो कुछ नहीं हुआ। जैसे एक खाली चार्जर वो प्लग में लगाओ ऑन करो, वैसी सेम एक पेन ड्राइव लगा के प्लग में लगा के ऑन करो, सेम ही कुछ नहीं होता। तो आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नया नया टेक और ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सबको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, चलिए।